You have no idea what's coming. You want a war? Or do you want to just give me a gun? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द चॉइस बॉक्स पर। दोस्तों, जब भी धमाकेदार ब्रूटल एक्शन, हैंड कॉम्बैट फाइट्स और बैडएस कैरेक्टर की बात आती है, तब सबसे पहले जॉन विक का कैरेक्टर हमारे दिमाग में आता है। जॉन विक फ्रेंचाइज की सभी मूवीज और खुद जॉन विक एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका शायद एक भी हेटर इस वर्ल्ड में नहीं है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको ऐसी ही अमेजिंग एक्शन मूवीज मिलेंगी जो जॉन विक यूनिवर्स में आपको वापस लेकर जाएंगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 ग्रेट एक्शन मूवीज लाइक जॉन विक। इस टॉपिक पर जो मूवीज बहुत ही पॉपुलर है और जो हम पहले हमारे वीडियोस में कवर कर चुके हैं, उनकी लिस्ट इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे वीडियो में इन सबसे अलग कुछ अमेजिंग मूवीज मैं कवर करने वाला हूं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। क्वेरीज और कॉन्टैक्ट के लिए आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, एड्रेस इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 10 पर है नो टीयर्स फॉर द डेड। ये 2014 में आई एक साउथ कोरियन एक्शन फिल्म है जिसका फैंटास्टिकली कोरियोग्राफ्ड एक्शन आपको जॉन विक वाला ब्रूटल फील देगा। फिल्म की स्टोरी एक रुथलेस हिटमैन को फॉलो करती है, अपने एक मिशन के दौरान उसके हाथों कोई निर्दोष मारा जाता है। अब ये अनप्रिडिक्टेड इंसिडेंट इस हिटमैन की लाइफ और इसके टारगेट को एक नई शेप दे देता है। दोस्तों, इमोशनल टच के मामले में यह जॉन विक से थोड़ा पीछे है, लेकिन अपने ब्रूटल एक्शन सीन से यह आपको जॉन विक की याद जरूर दिलाएगी। ये फिल्म अनऑफिशियल सोर्सेज पर कोरियन लैंग्वेज में अवेलेबल है। नंबर 9 पर है मैन ऑन फायर। ये डेंजल वॉशिंगटन स्टारर एक अमेजिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म है। डेंजल वॉशिंगटन की बहुत सी एक्शन थ्रिलर मूवीज हैं, लेकिन ये अमेजिंग फिल्म जॉन विक फैंस को पंप अप करने के लिए है। फिल्म की स्टोरी एक एक्स CIA ऑफिसर को फॉलो करती है जो एक एंटरप्रेन्योर की डॉटर का बॉडीगार्ड होता है, और जब इस यंग गर्ल को किडनैप कर लिया जाता है तब लीड कैरेक्टर एक ब्रूटल रिवेंज जर्नी पर निकलता है। दोस्तों, लीड कैरेक्टर की गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स आपको जॉन विक की अमेजिंग फाइटिंग स्किल्स से सिमिलर नजर आएंगी, और फिल्म का धमाकेदार एक्शन आपको जॉन विक वर्स वापस याद दिला देगा। तो इस अमेजिंग फिल्म को मिस मत कीजिए, ये Amazon Prime पर इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 8 पर है हार्डकोर हेनरी। ये एक अमेजिंग और क्रिएटिव साइफाई एक्शन फिल्म है। सिंपल नैरेटिव और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस में ये बिल्कुल जॉन विक जैसी मूवी है। इसे एंटायरली फर्स्ट पर्सन मोड में शूट किया गया है, जो इसके लेआउट को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना देता है। इसका अमेजिंग एक्शन और इसकी स्टोरी इसे जॉन विक फ्रेंचाइज के बिल्कुल करीब ले आती है। फिल्म की स्टोरी लीड कैरेक्टर हेनरी को फॉलो करती है, जिसे मौत के पंजे से छुड़ाकर वापस जिंदा कर दिया जाता है, लेकिन अब वो पहले से कुछ अलग है, उसकी मेमोरी जा चुकी है। अब हेनरी को इस न्यू लाइफ में एक हार्डकोर टारगेट मिल जाता है, और इसे पूरा करने के लिए हेनरी जो बवाल मचाता है वो वाकई देखने लायक है। दोस्तों, ये क्रिएटिव एक्शन फिल्म तो हर एक एक्शन मूवी फैन को जरूर ट्राई करनी चाहिए। ये अनऑफिशियल सोर्सेज पर इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 7 पर है द विलेनेस। 2017 में आई ये एक अमेजिंग साउथ कोरियन एक्शन फिल्म है जो प्रोफेशनल किलर्स का एक कलरफुल वर्ल्ड व्यूअर्स के सामने रखती है। कुछ एक्सेलेंट एक्शन सीक्वेंसेस ये प्रेजेंट करती है, जिनमें से इसका मोटरसाइकिल स्वॉर्ड फाइट वाला सीन तो कुछ इयर्स बाद जॉन विक चैप्टर 3 में कॉपी भी किया गया था। इस फिल्म की स्टोरी एक फीमेल असैसिन को फॉलो करती है, जो अपनी फ्रीडम और रिवेंज के लिए एक वायलेंट मिशन पर निकलती है। दोस्तों, स्टोरी, एक्शन, स्क्रीन प्ले, सभी एस्पेक्ट्स में ये मूवी जॉन विक से सबसे ज्यादा क्लोज है। जॉन विक फैंस मस्ट नॉट मिस दिस मूवी। अनऑफिशियल सोर्सेज पर ये इंग्लिश और कोरियन लैंग्वेज में अवेलेबल है। नंबर 6 पर है ब्लेड ऑफ द इमॉर्टल। ये 2017 में आई एक समुराई एक्शन फिल्म है जो इसी टाइटल वाली एक सक्सेसफुल मांगा सीरीज पर बेस्ड है। इस फिल्म का नैरेटिव एक इमॉर्टल समुराई पर फोकस्ड है। ये समुराई एक ऑर्फन टीनेजर का बॉडीगार्ड है। फिल्म की स्टोरी अपने रियल ट्रैक पर तब शिफ्ट होती है जब ये समुराई इस चाइल्ड को ऑर्फन बनाने वाले लोगों से बदला लेने निकलता है। दोस्तों, इस फिल्म का समुराई जॉनर इसे जॉन विक से थोड़ा अलग बना देता है, लेकिन इस फिल्म का कॉन्टेक्स्ट, इसका एक्शन और स्पेशली इसमें एडेड रिवेंज वाला फैक्टर इसे जॉन विक फ्रेंचाइज के काफी करीब ले जाता है। तो जॉन विक स्टाइल समुराई फाइट्स के लिए इस फिल्म को जरूर देखिए। ये नेटफ्लिक्स पर जैपनीज लैंग्वेज में अवेलेबल है। नंबर 5 पर है द इक्वलाइजर। ये 2014 में आई विजिलांती एक्शन फिल्म है जो 1980s की टीवी सीरीज द इक्वलाइजर पर लूजली बेस्ड है। दोस्तों, डेंजल वॉशिंगटन की प्रेजेंस से इस फिल्म का कैरेक्टर जॉन विक जितना ही स्ट्रॉन्ग और बैडएस नजर आता है, और इस फिल्म का लाजवाब एक्शन इसे जॉन विक फ्रेंचाइज के फैंस के लिए एक स्पेशल ट्रीट बना देता है। इस फिल्म का लीड कैरेक्टर भी जॉन विक की तरह ही वायलेंस छोड़कर एक पीसफुल और अनडिस्टर्ब्ड लाइफ जीना चाहता है, लेकिन कुछ ब्रूटल इवेंट्स के थ्रू ये वायलेंस वापस उसे अपनी तरफ खींच लेता है, और एक बार फिर ये बैडएस मैन फील्ड में आता है और जस्टिस के लिए फाइट करता है। तो दोस्तों, ये बैडएस एक्शन फिल्म तो आप सभी को जरूर ट्राई करनी चाहिए। इसके 2 पार्ट्स हैं, दोनों नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल है, और अनऑफिशियल सोर्सेज पर ये हिंदी में भी अवेलेबल है। नंबर 4 पर है जैक रीचर।
फेमस एक्शन स्टार टॉम क्रूज स्टारर, ये एक पॉपुलर एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका टॉप नॉच एक्शन एकदम होश उड़ा देने वाला है, और इस अमेजिंग एक्शन की वजह से ही ये फिल्म जॉन विक जैसी नजर आती है। फिल्म की स्टोरी एक मिलिट्री पुलिस ऑफिसर को फॉलो करती है जो एक सीरियस केस को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बना लेता है और फिर डीपली इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है। दोस्तों, धमाकेदार एक्शन के मामले में टॉम क्रूज की मूवीज हमेशा ही बेस्ट होती हैं। जॉन विक का एक्शन अगर कोई मूवी आपको सबसे ज्यादा याद दिला सकती है तो वो है जैक रिचर। तो इस फिल्म को जरूर ट्राई कीजिए। इस फिल्म के दो पार्ट्स हैं जिन्हें आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 3 पर है अ बिटर स्वीट लाइफ। ये 2005 में आई एक नियोनॉयर एक्शन फिल्म है। ये मूवी क्रिमिनल जॉनर का मॉडर्न क्लासिक प्रेजेंटेशन है। इसमें जॉन विक की तरह बहुत सारा एक्शन तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इस अमेजिंग फिल्म के बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं जो जॉन विक फैंस को बहुत अट्रैक्ट करेंगे। फिल्म की स्टोरी एक हिटमैन को फॉलो करती है जिसे उसका एम्प्लॉयर अपनी यंग मिस्ट्रेस पर नजर रखने का टास्क देता है। अब ये सिंपल सा काम कैसे डिफिकल्ट बन जाता है और कैसे ये स्टोरी में नया टर्न लेकर आता है, फिल्म के ये सभी इंटरेस्टिंग पार्ट फिल्म देखकर आप डिस्कवर कीजिए। नंबर 2 पर है द मैन फ्रॉम नाउहेयर। ये 2010 में आई एक अमेजिंग साउथ कोरियन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका एक्सट्रीमली ब्रूटल एक्शन आपके होश उड़ा देगा। दोस्तों, फिल्म की स्टोरी कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल नहीं है, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन, लीड स्टार की एक्सेलेंट परफॉर्मेंस और इस फिल्म का बैड एस कैरेक्टर, ये सभी मिलकर इसे जॉन विक फैंस के लिए मस्ट वॉच बना देते हैं। ये काफी पॉपुलर एक्शन फिल्म है जिसकी एक कल्ट फॉलोइंग है और रिलीज के बाद से अब तक भी ये फैन फेवरेट मूवी है। इस फिल्म की इंटरेस्टिंग स्टोरी डार्क पास्ट वाले एक मिस्टीरियस मैन को फॉलो करती है जो जॉन विक की तरह अकेला ही एक वायलेंट ब्लडी मिशन पर निकलता है जब उसे समझने वाले, उससे प्यार करने वाले उसके सबसे क्लोज फ्रेंड को कोई किडनैप कर लेता है। दोस्तों, 2016 में आई बॉलीवुड फिल्म रॉकी हैंडसम इसी कोरियन मूवी का रीमेक है। द मैन फ्रॉम नाउ हेयर ये सभी एक्शन मूवी लवर्स को जरूर ट्राई करनी चाहिए। ये अनऑफिशियल सोर्सेज पर इंग्लिश और कोरियन लैंग्वेज में अवेलेबल है। यू कैन्ट स्टॉप व्हाट यू कैन्ट सी। दिस गाय केम फ्रॉम द आउटसाइड। इट वाज अ प्रो। इट वाज फास्ट। इन द आर्ट ऑफ द किल, लियोन वाज द मास्टर। समबडीज कमिंग अप। समबडी सीरियस। He never missed a hit. His very existence is a sin. But others know he is a necessary evil. Killer be killed, Tiger. That's what I want. He likes it. Number 1 par hai Nobody. ये 2021 में ही रिलीज हुई एक ऑसम एक्शन थ्रिलर मूवी है जो करंटली काफी पॉपुलर है और जॉन विक फ्रेंचाइज से इसे बहुत ज्यादा कंपेयर किया जा रहा है। पर्सनली मुझे भी ये मूवी जॉन विक से काफी सिमिलर नजर आई। इसकी अमेजिंग स्टोरी, ग्रेट एक्शन, इसके कैरेक्टर्स और स्पेशली इसमें एडेड इमोशन और लीड स्टार बॉब ऑडेनकर्क की एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, ये सभी फैक्टर्स मिलकर इसे जॉन विक मूवी के काफी करीब ले आते हैं और जॉन विक फैंस के लिए इसे एक परफेक्ट मूवी बना देते हैं। फिल्म में हम देखते हैं कि जब लीड कैरेक्टर रिसेंटली अपने घर में हुए एक इन्वेजन को इन्वेस्टिगेट करता है और उसके क्लूज को फॉलो करते हुए वो एक डेंजरस पाथ पर पहुंच जाता है। दोस्तों, फिल्म की सिंपल सी लगने वाली स्टोरी एंड तक जाते जाते बहुत ही थ्रिलिंग हो जाती है और फिल्म का सिंपल सा लगने वाला लीड कैरेक्टर एक बैड एस एक्शन हीरो बन जाता है। जॉन विक फैंस को ये फिल्म एक बार तो जरूर ट्राई करनी चाहिए। ये अनऑफिशियल सोर्सेज पर इंग्लिश में अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ग्रेट एक्शन मूवीज जो जॉन विक से काफी सिमिलर हैं और जॉन विक यूनिवर्स में आपको वापस जाने का मौका देगी। इस लिस्ट में से आपकी फेवरेट मूवीज कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर करके जॉन विक लवर्स तक पहुंचाइए। मूवीज और वेब सीरीज की बेस्ट चॉइसेस के लिए द चॉइस बॉक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।